तो मैंने भाई सच बोलू स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी मैंने यूट्यूब पे किया, ये एक तरह से मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत आगे बढ़ने लायक जर्नी थी। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत गलतियां भी की जो मैं आगे आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये गलती अगर आप भी करोगे तो फिर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस होने पड़ेगी। मुझे मतलब स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं हुई, लेकिन जैसे मैं एकदम से ग्रोथ पे पहुंच गया तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस होने लगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप जरूर देखना पूरे जगह। अगर आप फ्यूचर यूट्यूबर हो या फिर अभी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही आपका चल रहा है तो ये गलतियां मत करना आप भी। अगर मेरे जैसे प्रॉब्लम हो जाएगा मैं इसको सॉल्व करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए और कुछ होगा तो सपोर्ट भी कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है एच फॉर हेल्थ में, बिना टाइम के फेस वीडियो को कर लो फेस। और मैं हूँ हितेश। मैं हूँ राकेश। स्टार्टिंग से मैंने देखा था कि मेरे सब्सक्राइबर जीरो थे, जीरो से मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बोला था मैंने 50 फेक सब्सक्राइबर बढ़ाए थे जो वो सब फॉर सब के ग्रुप के वजह से, और फिर उसके वजह से मैंने 50 सब्सक्राइबर को हटा भी दिया था। लेकिन बाद में मेरे रियल सब्सक्राइबर बढ़ने लगे जो मेरे को 100 व्यूज देते थे, 200 व्यूज देते थे, 300 देते थे, कुछ 500 भी जाने लगते थे। फिर भाई आया अपना टाइम आएगा पबजी वर्जन वीडियो, मैंने आपने देखा होगा, तो मैंने वो सॉन्ग ऐसे ही ट्रेंडिंग में चल रहा था तो मैंने एक तरह से पिक करके बना दिया इस पे वीडियो। मुझे नहीं पता था कि वो कैटेगरी अलग है, मेरी कैटेगरी थी ओनली टेक और ब्लॉग्स की चैनल में, मतलब दोनों में कैटेगरी थी मेरी। मैंने भाई वो सॉन्ग को पकड़ के बना दिया, उस पे अच्छे खासे व्यूज आए, वायरल भी हो गई वीडियो, और वायरल होने के साथ साथ मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मिले और मुझे अच्छे खासे व्यूज भी मिले, वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया, मोनेटाइज भी हो गया, एडसेंस से वेरिफिकेशन भी हो गया, सब क्लियर हो गया, ना ही मुझे किसी प्रॉब्लम हुई ना ही कुछ प्रॉब्लम हुई, वो अच्छी बात है मेरे लिए। हाँ, लेकिन बाद में आगे जाके जैसे जैसे मैं ग्रोथ हुआ, स्टेप सेट गो की वीडियो आपने देखी होगी, वो वीडियो भी अच्छी खासी वायरल हुई 90K, बाद में सेकंड वीडियो पे भी अच्छे खासे 60-50K गए, थर्ड वीडियो पे भी 20K प्लस व्यू गए और फोर्थ वीडियो पे 2 या 3K व्यू गए। लेकिन हाँ, सब चैनल अच्छे अच्छे वीडियो वायरल भी हुई, कुछ वीडियो 4K गई, कुछ 5K गई और ऐसे वीडियो कंटिन्यू वायरल होते गई। लेकिन अभी जो मैं रिसेंटली वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर आप खुद ही देख सकते हो, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आप अभी चेक कर लो व्यू, आपको व्यू मिल जाएगा यार। मतलब मुझे कितने व्यू आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 के ऊपर कभी 100, और एक हफ्ते के अंदर देखेंगे तो उस पर ज्यादा से ज्यादा जाता है 200, और 45 किधर, 46K सब्सक्राइबर और तो किधर ये। तो अब मैं बताता हूँ आपको गलती मैंने क्या की। तो मैंने ये गलती की कि भाई जो अपना टाइम आएगा पबजी वर्जन था वो कैटेगरी था म्यूजिक एंड गेमिंग का जो मैंने अपलोड कर दिया, और मेरा टेक चैनल था जो टेक और ब्लॉगिंग चैनल ये दोनों है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि टेक और ब्लॉगिंग साथ में कर रहा हूं, तो वो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, म्यूजिक एंड गेमिंग कैटेगरी को मैंने मिक्स कर दिया और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मिले मुझे वो सब रैप के शौकिंग थे, रैप सॉन्ग्स के, और बाकी जो सब्सक्राइबर थे वो गेमिंग के शौकिंग थे या तो या फिर वो म्यूजिक के शौकिंग थे। तो ये तीन कैटेगरी की वजह से वो लोग तो मेरे पास आ गए। लेकिन मैं बनाता हूँ टेक वीडियोस और ब्लॉग, ब्लॉग पे अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता ब्लॉग, लेकिन बार बार ब्लॉग कैसे शूट करूंगा वो आप ही बता सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा बार ज्यादा कम ही जाता हूँ। और बात हुई यहाँ पे मैं टेक की वीडियो बनाता हूँ, तो टेक वीडियो कुछ लोग देखते हैं इसलिए मैं अभी तक मोटिवेटेड हूँ, वरना मैं कब से इस कैटेगरी को छोड़ दिया होता और इसकी जगह मैं पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि आपको मालूम है मेरा चैनल एक तरफ से बेकार हो ही चुका है, मतलब व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे, खाली सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे, तो इसके मैंने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। मैं एक और जो जल्दी रैप सॉन्ग डालने वाला हूँ उसके वजह से मैं टेस्ट करूंगा कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं, अगर उस पर भी व्यूज बेकार आ रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल आ रहे वीडियो पे वो, या फिर अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं तो मुझे कैटेगरी परमानेंट चेंज करनी पड़ेगी, या फिर मुझे अभी वापस से बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगनिंग से मतलब मैं ये सब सब्सक्राइबर उन्हें घुमाने वाला ना ही, मैं अपना चैनल बेचने वाला ना प्राइवेट करने वाला, ये चैनल कंटिन्यू रहेगा लेकिन एक तरह से ग्रोथ होगी, धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे लेकिन बढ़ाऊंगा। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, देखते कितना सपोर्ट है आप लोगों के, सपोर्ट की वजह से अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ और देख रहा हूँ अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा हूँ। तो फिर आप कैसी कैरी ऑन रखना, आप भी कमेंट में जरूर बता देना कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। इसलिए सब लोग पूछते हैं कि भाई आपके सब्सक्राइबर ज्यादा है व्यूज कम कैसे, तो मेरे ये कारण है, कैटेगरी मैंने चेंज कर दिया। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई अपना कैटेगरी चेंज मत करो क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो मैंने भी कर दिए, मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करते रहिए, बस यही बोलना चाहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूंगा, वीडियो शायद से लंबी बन चुकी होगी लेकिन आपने पूरा देखा तो थैंक यू सो मच इसके लिए। बस तो मिलता हो अगली वीडियो में, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो किया होगा, नहीं किया सब्सक्राइब पे क्लिक करो, बेल आइकन को भी दबा दो। बस तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।